गाइज़ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू एनेडमी एंड इट रिलेटेड टर्म्स तो आज हम इसका सबसे पहला टॉपिक लेंगे दैट इज़ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम तो जो स्केलेटल सिस्टम है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलेटन सो नाउ वाट इज स्केलेटन और स्केलेटल सिस्टम स्केलेटन इज द कम्प्लेक्स और हार्ड स्ट्रक्चर विच हेल्प टू मेंटेन बॉडी शेप प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम एक्सटर्नल हेजर्ड्स एंड मेंटेनेंस ऑफ दियर फिक्सड पोजिशन विद इन द बॉडी तो अगर हम देखेंगे कि सिकेलेटन क्या होता है सिकेलेटन या सिकेलेटल सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स और हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि किसमें मदद करता है बॉडी शेप मेंटेन करने में ठीक है बॉडी हाँ, शेप को मैंटेन करने में दूसरा ये मदद देता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम एक्सटर्नल हैज़ार्ड्स। जो इंटरनल ऑर्गन है उनको एक्सटर्नल हेजार्ड से बचाता है ठीक है हाँ, तीसरी फंक्शन इसकी क्या है कि ये इन इंटरनल ऑर्गन को अपने फिक्सड पोजिशन पे रखता है ठीक है दिस इज सिकैलिटन नाउ अगर हम ह्यूमन सिकैलिटल की बात करेंगे जो सिकेलेटल सिस्टम होता है इट इज मैनली कंपोज ऑफ बोनस ठीक है तो जब डिफरेंट uh, बोनस मिलते हैं एक साथ तो वो क्या बनाते हैं एक सिस्टम जिसको हम बोलते हैं सिकैलिटल सिस्टम सो व्हेन ऑल द बोनस ऑफ द बॉडी आर ज्वाइन टुगेदर दे मेक ऑफ द सिकैलिटल सिस्टम तो जब बॉडी के सारी बोनस एक साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं स्केलेटल सिस्टम ठीक है, है? हां तो अब जो हमारा स्केलेटन है स्केलेटन इट फॉर्म्स द कैविटीज एंड फोसाज टू प्रोटेक्ट सम स्ट्रक्चर्स जो हमारा स्केलेटन होता है ये क्या करता है ये कुछ कैविटीज और फोसाज फोसा मीन ए लार्ज डिप्रेशन ये कुछ कैविटीज और फोसाज को बनाता है जो कि हमारे कुछ बॉडी स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करता है ठीक है हाँ। तो अब अगर हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज ऑरिजिनली मेड ऑफ 270 सेवेंटी बोनस जो ह्यूमन स्केलेटल होता है ऑरिजिनली अगर हम देखेंगे एक्चुअली ये 270 बोनस का बना होता है लेकिन अब जो ये 270 सेवेंटी बोनस है ये डिफरेंट तरीकों से फ्यूज हुए हैं और ये क्या बनाते हैं 206 हंड्रेड सिक्स नाउ हमारी बॉडी में अगर आपको पूछेगा कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोनस हैं तो आप लिखना 106। लेकिन अगर हम मैंने बोला कि अगर हम एक्चुअली देखेंगे एक्चुअली 270 सेवेंटी हैं, है लेकिन ये जो 270 सेवेंटी बोन है ये अलग अलग तरीकों से फ्यूज होते हैं और दे गिव राइज टू टू हंड्रेड सिक्स आई ये आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ। देखिए दोस्तों अब हमारी बॉडी में कितनी टू हंड्रेड सिक्स बोनस। ये जो टू हंड्रेड सिक्स बोन है इनमें क्या है दे आर ईयर ऑसिकल्स हमारे जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं राइट ईयर और लेफ्ट ईयर में तो वो कितने होते हैं छह तो अगर हम एयर जो तीन एयर ऑसिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं मेलियस इंसस एंड स्टेपीज हाँ ईच साइड से तीन होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एयर ऑसिकल्स हैं सिक्स अब अगर हम इन एयर ऑसिकल्स को छोड़ेंगे तो जो रिमेनिंग बून हैं वो कितनी हैं टू हंड्रेड तो जो अब टू हंड्रेड रिमेनिंग बून हैं इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में नंबर वन इज स्केल्टन एंड नंबर टू इज अपेंडिकुलर स्केल्टन। ठीक है हाँ तो मैंने बोला कि हमारे बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बोनस 206 होते हैं ठीक है अब छे क्या होते हैं एयर ऑसिकल्स छे इन छे को छोड़ के कितने बचते हैं 200। अब जो ये 200 हंड्रेड बोनस हैं इनको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में एक्सियल एक्सियलिटन एंड अपेंडिकुलर सिकेलिटन तो अब आप देखो एक्सियल एक्सियलिटन क्या होता है एक्सियल इज दैट एक्सीज ऑफ द बॉडी ऐसा जो कि लॉन्गिटूडिनल एक्सीज पे लाइक करता है बॉडी के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सीज पे लाइक करता है उसको हम बोलते हैं एक्सियल एक्सियलिटन तो एक्सियल एक्सियलिटन में क्या क्या आता है नंबर वन इज सिकल एक्सियल स्केलेटन में स्कल आता है नंबर टू इज वर्टेब्रल कॉलम नंबर टू इज वर्टेब्रल कॉलम नंबर थ्री इज सिटर्नम एंड नंबर फोर आर रिब्स ठीक है तो ये चार पार्ट्स ये चार पार्ट्स, पार्ट्स एक्सियल स्केलेटन में इंक्लूड होते हैं तो अब देखिए आप अपेंडिकुलर स्केलेटन एपेंडिकुलर स्केलेटन इज दैट टाइप ऑफ स्केलेटन विच इज एसोसिएटेड विथ एपेंडेजिस अपेंडेज मीनस लिम्ब ठीक है हाँ जो हमारी लिंब्स होती हैं उनसे जो सिकेलेटन एसोसिएटेड है वो कौन सा है अपलर इस एपेंडिकुलर सिकेलिटन में क्या क्या आता है नंबर वन इसमें आता है शोल्डर गर्डल एंड अपर लिम्ब जो हमारा शोल्डर गर्डल जिसको हम पेक्टोरल गर्डल भी बोलते हैं शोल्डर गर्डल और अपर लिम्ब सारी जो है यह किसमें आती है अपेंडिक्युलर स्कैलेटन ठीक है हां इसी तरह से जो हमारा पैल्विक गडल या हिप गडल और लवर लिम्ब्स जो लवर लिम्ब्स और हिप गडल या पैलविक गडल होता है इट इज इंक्लूडेड इन अपेंडिकुलर स्केलेटन देखिए अगर मैं मान लेता हूं फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर मैं मान लेता हूं कि दिस इज द्यूमन स्कैलटन है तो ये है, and, uh, दीज आर तो ये जो हैं, ये, है, ये किसमें इंक्लूड होते हैं एक्सियल में अब जो शोल्डर गर्डल होता है और उसके साथ जो अपर लिंब होती है प्लस जो पैलविक गर्डल होता है पेल्विक गर्डल और इसके साथ जो लवर लिम्ब होती हैं ये इंक्लूड होते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में नाउ लेट अस डिस्कस दीज पार्ट्स वन वन बाय वी विल डिस्कस द पार्ट्स ऑफ स्केलेटन एंड अपेंडिक्यूलर स्केलेटन वन बाय वन नाउ वी विल टॉक अबाउट स्कल वट इज स्कल बेसिकली जो स्कल होता है इट इज द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ हेड जो हमारा हेड होता है इसका जो बोनी फ्रेमवर्क होता है उसी को हम क्या बोलते हैं ठीक है? हाँ अगर हम सिकल की बात करेंगे सिकल में 29 होते हैं। स्कल में नाइन बोनस होते हैं और जो ये सिकल के 29 नाइन होते हैं दे आर सेपरेटेड बाय इमोबल वेरी बाउंड्रीज कॉल्ड एस तो सिकल के जो बोनस होते हैं Uh, ये सेपरेटेड होते हैं बाय वेरी वेव लाइक इमोएबल बाउंड्रीज जिनको हम क्या बोलते हैं स्यूचर्स क्या बोलते हैं स्यूचर्स अब जो स्कल के 29 बोन्स होते हैं ना इनमें आठ बोन्स क्रेनियल होते हैं सो एट आर क्रेनियल बोन्स जो कि क्रेनियम बनाता है जो कि जिसको हम बोलते हैं ब्रेन बॉक्स जो कि ब्रेन को कवर करता है प्रोटेक्ट करता है ठीक है हा सो एट बोन आर क्रेनियल बोन ट्वेंटी चौदह फैशल होते हैं जो क्या करते हैं जो फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल बनाते हैं ठीक है सो फोर्टीन आर फैशियल बोन एंड सिक्स आर ईयर ऑसिकल जो सिक्स होते हैं वो ईयर ऑसिकल होते हैं थ्री फ्रॉम ई साइड कौन कौन से सिटापिस, मैलियस इंसस, ठीक है हां और और एक बून क्या होती है बून जो हाईडबून है बून क्या फॉर्म करती है फ्लोर ऑफ बकल कैविटी जो बकल कैविटी का फ्लोर होता है उसको एक बून बनाती है जिसे हम कहते हैं हाइड बून ठीक है हां तो अब अगर हम टोटल देखेंगे आठ और चौदह हुए ट्वेंटी टू प्लस सिक्स इज ट्वेंटी एंड ट्वेंटी 1 प्लस वन इज ट्वेंटी सो हाउ मेनी बोन आर देयर इन ट्वेंटी हाँ तो अब अगर हम आठ क्रेनियल बोनस देखेंगे कौन कौन से आठ क्रेनियल बोनस हैं तो इसमें क्या क्या आता है एक बोन होती है फ्रेंटल बोन एक बोन होती है फ्रेंटल बोन दो होते हैं पेराइटल बोनस दो होते हैं पैराइटल बोनस एक होती है ऑक्सीपिटल बोन मैं बोलता हूं कि इन आठ क्रेनियल बोन में आ, कौन ये आठ क्रेनियल बोन कौन कौन सी हैं? एक फ्रंटल है दो पैराइटल है एक ऑक्सीपिटल है दो टेम्पोरल है एक सिफिनोइड एंड वन इज इथिनोइड बोन ठीक है हाँ अब जो फ्रंटल पैराइटल ऑक्सीपिटल दीज क्रेनियल बोन है ना मैंने पहले ही बोला कि दे फिट टूगेदर बाई Wavy called as ये तो मैंने आपको बोला फंक्शन हाँ, होता है हमारे हेड को क्या होगा अगर इसको ब्लो आया और उसे कोई शॉक हुआ तो उस शॉक से कौन बचाता है फ्यूचर ठीक है हा तो अब अगर फ्यूचर्स के भी अपने टाइप्स हैं अगर हम देखिए लेट अस सपोज दिस इज टेम्पोरल बोन दिस इज पैराइटल बोन दिस इज फ्रंटल बोन एंड दिस इज ऑक्सीपिटल बोन तो ऐसा फ्यूचर जो कि पैराइटल बोन को फ्रंटल बोन से सेपरेट करता है उसको हम बोलते हैं कोरोनल फ्यूचर क्या बोलते हैं कोरोनल फ्यूचर हाथ ऐसा स्यूचर जो पैराइटल बोनस को टेम्पोरल बून से सेपरेट करते हैं उसको हम बोलते हैं लेटरल स्यूचर क्या बोलते हैं लेटरल स्यूचर और वो स्यूचर जो पैराइटल बोनस को ऑक्सीपिटल बून से सेपरेट करता है उस वाले स्यूचर को हम बोलते हैं लैम्डोइडल स्यूचर लैम्डोइडल स्यूचर आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा ठीक है हां देखिए दोस्तों अब जो हमारी ऑक्सीपिटल बोन होती है ना ऑक्सीपिटल बोन के पोस्टीरियर एंड पे दो प्रोटर्बरेंसिस होती हैं। पोस्टीरियर एंड पे दो और होती हैं। तो जो ये प्रोटर्बरेंसिस और प्रोमिनेंसिस होती हैं ऑक्सीपिटल बून के पोस्टीरियर एंड पे इनको हम बोलते हैं कोंडाइलस इनको बोलते हैं हम कोंडाइलस और ये जो कोंडाइलस होते हैं ये किन से ज्वाइंट बनाते हैं ये किन से आर्टिकुलेट होते हैं दे आर्टिकुलेट विद फर्स्ट सर्विकल वर्टेब्रा दैट इज कॉल्ड एज एटलस जो पहली वाली सर्विकल वर्टेब्रा होती है उसके साथ ये आर्टिकुलेट होते हैं ठीक है हां तो अब कितने कॉन्डाइल हैं इसमें दो सिंस आर टू कॉन्डाइल इन द ऑक्सीपिटल बोन ऑफ ह्यूमन स्कल सो वी कैन से ह्यूमन स्कल इज डाइकोंडाइलिक ह्यूमन डाइलिक आई होप कि आज का जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ आया होगा कोई क्वायरी होगी कोई डाउट होगा तो कॉमेंट सेक्शन में लिख देना तो इनशाला इसका हम दूसरा पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू